यू नो बचपन में हर बच्चे को पापा की कहानियों में और मम्मी की लोरियों में बड़ा इंटरेस्ट होता है। मुझे भी था। मैंने पापा की कहानियां तो सुनी लेकिन मम्मी की लोरी की जगह मम्मी के गाने सुने। उनके संगीत में सरलता थी, लखनवी तहजीब थी, लेकिन एक चीज नहीं थी, वक्त। ना फैमिली के लिए, ना बच्चों के लिए। और मैंने बहुत कोशिश की उनका अटेंशन पाने के लिए, और लास्ट में ना मुझे पता चल गया कि पद्मश्री सरला देवी जी के लिए एक ही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है उनकी तरक्की। आज बिजनेस मैं संभालता हूं, लेकिन मम्मी को लगता है कि उनके गानों के पैसों की वजह से ना कंपनी चल रही है। काश मैं उन्हें बता हुआ था कि उनके गानों की रॉयल्टी की वजह से जो पैसे आते हैं ना, उसे चपड़ासी की सैलरी तक नहीं जाती। पर मैं बात उन्हें बताऊंगा नहीं, हर्ट हो जाएगा और मैं उन्हें हर्ट करना नहीं चाहता। अब मैं अपना सारा वक्त बिजनेस में देता हूं ताकि एक दिन इतना बड़ा बन जाऊं कि मेरी मम्मी मुझे इग्नोर ना कर सके।